हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले रेशनल नंबर चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो बस आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। यह जो हमारा चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, बस आप लोग आसानी से देखेंगे समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैप्टर का क्या नाम बताइए आप लोग? रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेशनल नंबर नंबर हमारा बेसिकली होता क्या है। तो बहुत आसान है। तो देखिए, रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हमने और सारे कौन कौन से नंबर पढ़े हैं। हमने पहला पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बताइए आप लोग क्या होता है, सोच के बताइए। हाँ, अगर हमारा कोई नंबर है जो हमारा 1 से बेसिकली 9 तक, यानी 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ और क्या हुआ बताइए, इसी तरीके से अगर हमारा कोई भी नंबर है, अगर 1 से लेकर 9 तक है, कहाँ तक है प्यारे बच्चों? 1 से लेकर 9 तक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बताइए आप लोग? उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। समझ में आए नेचुरल नंबर मतलब क्या? कि अगर कोई भी आपका नंबर है 1 से लेकर 9 के बीच में बन रहा है, तो वह क्या होगा? वह आपका नेचुरल नंबर होगा। अब उसी प्रकार प्यारे बच्चों, हमारा होल नंबर क्या होता है आप लोग पढ़े बताइए आप लोग? हाँ, अगर हम प्यारे बच्चों, हमारा जो नेचुरल नंबर है उसमें अगर हम लोग 0 भी ले लें, यानी आप लोग कोई भी नंबर अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से अगर 9 तक पहुंच जाते हैं, तो हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? होल नंबर। समझ जाए नेचुरल नंबर मतलब कि क्या होगा? 1 से लेकर 9 तक होगा। और होल नंबर मतलब होता है क्या होगा? होल नंबर मतलब बेसिकली आपका जब 0 अपन नंबर में ऐड कर देंगे, तो वह आपका क्या हो जाएगा? वह आपका होल नंबर आ जाएगा। समझ में आया कि आपको नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है? अब इसके बाद हम प्यारे बच्चों पढ़ते हैं किसके बारे में? इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर तो बहुत आसान है। अगर मान लीजिए कोई भी अगर आपका नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर, तो बेसिकली क्या होगा? वह बेसिकली आपका इंटीजर होगा। यानी मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपका -3 हो गया, ठीक है। -3 क्या है प्यारे बच्चों? यह आपका नेचुरल नंबर है, सॉरी इंटीजर है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपसे कोई पूछ दे कि अच्छा 4 क्या है? हाँ बताइए आप लोग, 4 भी तो आपका क्या है, इंटीजर भी कर सकते हैं। और क्या होगा बताइए आप लोग? हाँ, इसे आप लोग नेचुरल नंबर भी कर सकते हैं, होल नंबर भी कर सकते हैं। यानी कुल मिला जुला कर ये सब चीज़ें क्या है, यह सब चीज़ें आपके धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। अभी मैं बताऊंगा कि आखिरकार हमें पहले नेचुरल नंबर था तो हमें दिक्कत क्यों होने लगी, उसके बाद हमारा होल नंबर क्यों आया, उसके बाद हमारा इंटीजर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं, कौन कौन नंबर बताइए आप लोग? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब हम प्यारे बच्चों बात करते हैं हमारे चैप्टर का क्या नाम बताइए आप लोग? हमारे चैप्टर का नाम बेसिकली है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मतलब क्या? जैसे कि अब तक हमने क्या पढ़ा बताइए आप लोग मेरे साथ बोले, नेचुरल नंबर मतलब क्या? आपका कोई भी नंबर है अगर 0 से 9 के बीच में है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और प्यारे बच्चों, होल नंबर मतलब क्या? देखिए मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर नेचुरल नंबर मतलब 1 से 9 होगा, ठीक है, सॉरी इसके लिए। हमारा नेचुरल नंबर 1 से 9 होगा। और होल नंबर मतलब कि भैया 0 से लेकर अगर 9, यानी हमारा जो नेचुरल नंबर है उसमें अगर 0 भी ऐड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। फिर हमने इंटीजर पढ़ा कि भैया अगर कोई भी आपका नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो क्या कहेंगे उससे हम प्यारे बच्चों? बेसिकली क्या कहेंगे बताइए आप? तो उसे इंटीजर कहेंगे। तो नेचुरल नंबर मतलब 1 से 9। अब कोई पूछेगा बच्चा कि सर 1 से 9 ही क्यों है? तो देखिए गड़बड़ हो जाएगा। क्यों क्यों? क्योंकि अगर 99 क्या है, 99 नेचुरल नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है। 1 से 9 मतलब कि अगर 1 और 9 लेकर जितना नंबर बनाएंगे वो आपका नेचुरल नंबर कैटेगरी में आएगा, ठीक है, जितना समझ में। अब हम बात कर लेते हैं कि अपने रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर देखिए बहुत आसान है। जैसे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपको एक सेब दिया गया, मान लीजिए इतना बड़ा सेब है, तो कोई कहते भैया आधा आप सेब ले लीजिए, आधा हमें दे दीजिए। तो प्यारे बच्चों पति, यहाँ पे आप कैसे डिनोट करेंगे? यहाँ पर ये तो कहेंगे ना कि हाँ भैया एक है, उसे कह नहीं सकते, इसे हम क्या कहेंगे? 1/2 लिखते, हाफ लिखते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिखते। यानी प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर हमारा बेसिकली क्या होता है? हमारा प्यारे बच्चों बेसिकली फ्रैक्शन नंबर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? हमारा बेसिकली फ्रैक्शन नंबर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। बस आप लोग आसानी से ही समझ लीजिए कि रेशनल नंबर मतलब क्या, फ्रैक्शनल नंबर। जैसे आपका 2/3 हो गया, और कोई एग्जांपल आप लोग दीजिए, 4/5 हो गया, और प्यारे बच्चों 6/7 हो गया। तो यह बात समझ नहीं है आपने कि हमारा जो जो जितने भी नंबर, इसके बारे में हमने अथवा जानकारी हासिल कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं।